नमस्कार, दिव्या मुंबा देवी, भव्य भुलेश्वर महोत्सव 2022 सवत्र सत्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं इस समय द इनविटेशन ज्वेलरी डीलर्स एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की ऑफिस में हूँ। यहाँ हम सभी व्यापारियों का स्वागत करते हैं और मैं SS न्यूज़ से एडिटर श्री क्रांति जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और आगे की सवत्र जानकारी प्रस्तुत करें। द इमिटेशन ज्वेलरी डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रतिष्ठित व्यापारियों के बीच में आज हम हैं। भुलेश्वर का या मुंबई का हार्ट कह सकते हैं, दिल जहाँ धड़कता है हृदय में, इसी तरह से दिव्य मुंबा देवी भव्य भुलेश्वर 2022 महोत्सव का एक आगाज किया है। सामूहिक रूप से इस संस्थान के बैनर तले में आए हैं संवाद सत्र के रूप में, लाइव संवाद सत्र। ये दिव्य मुंबा देवी भव्य भुलेश्वर महोत्सव क्या है, क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता पड़ी, किस तरह से होगा और किस तरह से पार्टिसिपेट आम नागरिक और व्यापारी कर सकेंगे, छोटा सा ब्रीफ दूंगा आपको मैं। उसके बाद में आपको बारी बारी से अपनी बात, अपनी ओपिनियन कहनी है। आपकी बात मुंबई कर तो सुनेंगे ही, देश सुनेगा, विश्व सुनेगा, क्योंकि ये धरती एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाली है। यहाँ मुंबई की काशी कहलाती है और एक दिव्यता और भव्यता से भरपूर है। ये यहाँ आकर के नेगेटिव अप्रोच वाला व्यक्ति भी अगर भूमि पर आता है तो एकदम कंसेप्ट चेंज हो जाता है, भव्यता में पॉजिटिव थॉट शुरू हो जाती है। तो हम नागरिकों के साथ में मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर, व्यापारियों के साथ में मिलकर के एक ऐसा भव्य कार्यक्रम करें जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको कैसे अक्षुण रखें और कैसे जीवित रखें, और जिस समाज में, जिस देश में हमारी सांस्कृतिक विरासत जिंदा है, हमारी कौमें जिंदा रहती है। धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर जब कोई चीज पहुंचती है तो नागरिकों को भी खड़ा हो जाना चाहिए। और 18 पॉइंट रखे हैं हमने उसमें। यहाँ पर सैकड़ों मंदिर हैं, आप और हम जानते हैं मंदिरों की ये भुलेश्वर नगरी है, लेकिन आज पता ही नहीं है लोगों को, नहीं कहना चाहिए भुलेश्वर शिव का मंदिर है। कई लोगों को पूछता है, बोले नहीं भुलेश्वर तो एक स्थान का नाम है, शिव का मंदिर हो ही नहीं सकता। अब इतनी अज्ञानता मुंबई करों को है तो देश और विदेश में हमें पहुंचा लिया है। तो जितने भी मंदिर हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का हमारा मीडिया हाउस का अभियान है। एक ये हुआ हमारा आध्यात्मिक पावर, ताकत उसको करने के लिए। एक हमारी जो है व्यापारिक, व्यापार जगत यहाँ पर संपुष्ट है, ताकतवर है, लेकिन जो एनवायरमेंट पॉजिटिव तो है, लेकिन जो एनवायरमेंट जो मिलना चाहिए, साफ सफाई की बात करें हम, यातायात की बात करें हम, प्रदूषण की बात करें हम, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ हमें नहीं मिल रही है। पहले थी, नहीं मिल रही है, धीरे धीरे दुष्परिणाम होता शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी वक्त है। क्यों? कि अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना, अर्थात एक इंस्टॉलेशन करना है किसी व्यवस्था को। और मैंने सभी सीनियर से, सभी अधिकारियों से बात की, BMC वालों से भी बात की, उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच बताई कि क्रांति जी एक अच्छा इनिशिएटिव कार्यक्रम मीडिया हाउस ने लिया है तो हम आपके साथ हैं। व्यापारियों ने भी व्यक्तिगत होते हम आपके साथ हैं, आपको ये बताना है कि किस तरह से कर सकते हैं और कैसे साथ होगा। भूमि को प्रणाम करें और इस भूमि पे जो भी लोग आए, देश विदेश से लाए लोग आए, मुंबई में आए तो बोले पहले भुलेश्वर देखना है, पहले मुंबा देवी देखना है हमको, पहले हम उसकी भव्यता देखनी है, उसकी सौंदर्यता देखनी है, मंदिरों की आभा देखनी है, घंटियों की ध्वनियां सुननी है, आरतियों का आनंद लेना है। वो भाव धीरे धीरे खत्म हो गया, पुनः हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये आपके सुझाव। अमर भाई रहेजा, इमिटेशन ज्वेलरी का सेक्रेटरी। आज हमारे मार्केट में हमारे मेंबर 1200 से 1400 है। हम वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम आभारी है SS न्यूज के, जिन्होंने प्रथम कदम उठाया, ये साफ सफाई, नीटनेस, क्लीननेस सब करने का, सब व्यापारियों को इकट्ठा करना, सब मार्केट की एसोसिएशन को इकट्ठा करना। ये आपके न्यूज के माध्यम से आपके क्रांति भाई को भी मालूम है, हमारी एसोसिएशन हर मुकाम में पहले रहती है, चाहे वो कोरोना रही या कुछ भी रहा, गरीबों को साथ हमने सब किया। अभी हम नोटबुक भी दे रहे हैं गरीबों को और बहुत कुछ कार्य करते हैं।
आज ही जो हमारी मार्केट है इमिटेशन ज्वेलरी की, ये बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया भर से नहीं, वर्ल्ड से आदमी आते हैं इधर खरीदी करने। हमारे अतुल भाई धनेशा प्रेसिडेंट, वो अपने नेटिव प्लेस गए हुए हैं। आज हम अतुल भाई के नेतृत्व में इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ल्ड से जैसे फॉरेनर्स आते हैं खरीदी करने, जैसे यहां गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, देखो किधर कूड़ा पड़ा हुआ है, किधर गटर में से सामान निकाल के बाहर रखा हुआ है, ये सब सफाई बराबर नहीं होती है। और पब्लिक को चलने में इधर कितनी तकलीफ है, फेरी वाले, आज हम करोड़ों रुपए के दुकान लेके बैठे हैं, बाहर जो फेरी वाले बैठे हैं हमारा ही माल हमारे से सस्ता बेचते हैं। ये मैं कपड़े मार्केट की बात करता हूं, जो इधर रेडीमेड वाले, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं। आज इतने बड़े बड़े व्यापारी फेल हो रहे हैं, 20-30% हमारी बिजनेस हो गई है। क्यों? रोड पे सस्ता माल बिकेगा, आज आप दुकान लेके बैठे हो, खर्चे लगा के बैठे हो, क्या बिक्री होगा आपके पास, क्या कैसे कमाओगे आप? मैं आपके आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं, आपने जो मुहिम चलाई है हम आपके साथ हैं, और जो एसोसिएशन का साथ चाहिए हम देने को तैयार है। धन्यवाद। मैं जयेश चंद्रकांत मेहता, इमिटेशन ज्वेलरी में हमारी 60 साल पुरानी शॉप है और 60 साल से काम कर रहे हैं, और सबका इधर सहयोग बहुत अच्छा है पहले से भी सब। और आपने जो बात बताई वो हम लोग सम्मत है और आपको साथ सहकार देने के लिए तैयार है। उम्र भी सोच थी, और आपने जो कार्यक्रम जो चालू किया वो सेव द डेट समझ के चालू कर रहे हैं, और उसके तारीख बारीख बाद में नक्की कर लेंगे। और आपका ये अच्छा सुझाव है और इसमें हम लोग का सहयोग है, सहयोग सबका। मैं इमिटेशन ज्वेलरी डेयर्स एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हूँ। और जो लोग इधर भुवनेश्वर में आते लोग घबराते हैं, यानी वो लोग को भी ऐसा मॉल में आना चाहते हैं कि जहाँ साफ सफाई हो। तो आप जो मॉल पे आज काम करने के लिए तैयार हो, इसके लिए हमारी पूरा एसोसिएशन, हमारी पूरी टीम पूरा साथ है, सरकार देगी। आप जब भी बोलेंगे हम खड़े रहेंगे आपके साथ। समझ लो बम्बई की काशी बोला जाता है, मगर वो अपने को लोगों को दिखाने के लिए और बताने के लिए अपने को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत करने के लिए हम आप लोग के साथ में है। सर्वप्रथम शुभ समय मीडिया हाउस की पूरी टीम का दी इमिटेशन ज्वेलरी डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से हम तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं आपके इस पहल का। आपने एक कदम आगे बढ़ाया है, हम सब मिलकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे और मंजिल को जल्द से जल्द हासिल करने का प्रयास करेंगे। मैं इतना कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि दिव्य मुंबा देवी भव्य भुवनेश्वर का जो एक आपका सपना है, जो एक आपने स्वप्न शायद आपने देखा और हम सभी की आंखों में वो सपना बरसों से था, पर उसे साकार करने का हमें अवसर नहीं मिल रहा था। आप एक माध्यम बने हैं हमारी बात को, जैसे आपने कहा कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के पूरे विश्व तक मुंबई का जो महत्व घटा था, उस घटते हुए महत्व को बढ़ाने में हमारा यहाँ का जो उत्सव होगा, यहाँ की जो माहौल बनेगा, यहाँ के मंदिरों की जानकारी, यहाँ के क्षेत्र की जानकारी, उसके बारे में जब पूरे विश्व में मालूम होगा तो जरूर ही हमें हमारी पुरानी विरासत, हमारी पुरानी संस्कृति हमें वापस मिलेगी। कहीं आपके माध्यम से हम उस परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। मुंबई का, दक्षिण मुंबई का जो भाग है, ये आर्थिक एक हब है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के व्यापारी संगठन आ गया है, आपने एक पहल की, एक पहल में नागरिकों को नहीं कहते हुए व्यापारिक संगठनों से करूंगा कि 20 से 25 जो बड़े एसोसिएशन हैं, जो सक्षम है, समृद्ध और प्रबुद्ध व्यापारी लोगों के संगठन है, वो आपके साथ आगे मिले। कोई भी काम असंभव नहीं है, शुरुआत करने से हर काम संभव हो सकता है, तो व्यापारिक संगठनों को पहल करनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, हम आपके साथ रहेंगे, हमें वादा करते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, हमें मौका दिया हमारी बात करने का। थैंक यू, जय महाराष्ट्र। मैं कल्पेश कामदार, इस इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन का मेंबर। आज जो नई पीढ़ी है, नया जनरेशन है, जो यूथ है मुंबई का, जो इंडिया का जो यंग जनरेशन है, उसको इन मंदिरों की कितनी आस्था और जानकारी है, इसकी किसी को नॉलेज नहीं है। तो आज ये जो मुहिम छेड़ी है मीडिया हाउस ने और एसएस न्यूज द्वारा, हम हमारा जो भी सुझाव दे रहे हैं हम इसके आभारी है, और हम इसमें पूरी मार्केट साथ रहेगी और जो भी कदम उठाने होंगे हम आपका सहयोग जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी द इमिटेशन ज्वेलरी डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का।
जो आपकी जो मुहिम है बहुत ही बढ़िया, और कहते हैं ना जैसे कि नई फसल उगाने के लिए पहले मट्टी खोदनी पड़ती है, तो इसके लिए हमें पहले सड़क पे या जो ट्रैफिक की प्रावधान है, क्लीनिनेस की बात है, जो सब कह ही चुके हैं, पहले वही करना पड़ेगा जिससे सुचारू ढंग से आगे की भी काम होगी, चाहे भव्य द्वार बनाना है या मूर्ति लानी है तो उसके लिए भी जगह क्लियर होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। बाकी ये आपकी मुहिम से ना सिर्फ ये तो आलीशान बनेगा, मैं मानता हमको भी व्यापार इसमें बढ़ावा मिलेगा। बहुत धन्यवाद। मैं हसमुख जैन, कमिटी मेंबर द इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन का। मेरा बचपन इसी बुलेश्वर में हुआ है और आज जितने भी साल मेरे को यहाँ हुए हैं, इस मुंबा देवी के बारे में मैंने सुना है कि कभी किसी को मुंबई में भूखा रहने नहीं दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी ने जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया है उसी तरह मुंबई की शान और मुंबा देवी मंदिर को उसी तरह बनाया जाए ताकि ये लोग मुंबई को याद रखे। इस तरह मैं यहाँ के MLA, MP और नगर सेवक सबको ये देना चाहूँगा इस न्यूज़ के माध्यम से कि वो इस क्षेत्र पर भी ध्यान दें। मैं भरत सेठ, आपने ये उत्सव मनाने का सोचा है, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हमने भी 2 साल पहले इमिटेशन ज्वेलरी वाले ने सोचा था कि एक अपना मार्केट का उत्सव मनाए, मगर कोरोना आ गया तो नहीं मना सके, मगर आपके माध्यम से अभी आपके साथ में जुड़ के बहुत अच्छा करेंगे। मैं अशोक लोढ़ा, कमिटी मेंबर इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन का। SS न्यूज ने जो ये मुहिम छेड़ी है उसके लिए उनका अभिनंदन है और हम आपके साथ है। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि यहां पे सबसे ज्यादा लोग पहले ही घबरा जाते हैं कि बुलेश्वर का नाम लेते ही पहले आता है ट्रैफिक समस्या, कि गाड़ी कहां खड़ा रखेंगे, हम कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, इतनी गिरती रहती है यहां पे, इस तरह से लोग डर भी जाते हैं। सबसे पहले हमें इस ट्रैफिक को कैसे भी करके यातायात को हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर कराना होगा और साफ सफाई की मुहिम को भी छेड़ना होगा। जैसे आपने अभी नाम लिया है मुम्मा देवी मंदिर तो यहां पे काफी बरसों से है, लेकिन हमारे यहां पे जैन मंदिर भी काफी जैन मंदिर है। यहां पे कम से कम 15 जैन मंदिर है जो 200 वर्षों से यहां पे स्थापित है और काफी प्राचीन मूर्तियां भी है, तो यह भी एक दर्शनीय स्थान है। और सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। मैं दीपक पंजाबी, फॉर्मर चेयरमैन इस एसोसिएशन का। मैं अभी जस्ट ये सब जितने भी इन्होंने कहा सब ये सब सही है। मैं अभी 10 दिन पहले अभी US गया था तो एक कस्टमर से मिला था, तो उनको बुलेश्वर का कार्ड दिया था, तो मैं वो बुलेश्वर का नाम देख के बोलता बुलेश्वर में तो मैं कभी आऊंगी नहीं, लेडी थी मीन्स कस्टमर, बुलेश्वर में तो कभी मैं आऊंगी नहीं मीन्स, यानी पहले मेरा एक्सपीरियंस इतना है 2 घंटा पहुंचने में लगता है, 2 घंटा जाने में लगता है मीन्स, यानी इस तरह का। और ये जो बुलेश्वर नगरी है, इतनी मंदिरों की नगरी है, बुलेश्वर का नाम भोलेनाथ, यहाँ इतने मंदिर थे भोलेनाथ भगवान भी यहाँ भूल गए थे, इसके करके इसका बुलेश्वर का नाम भोलेनाथ के ऊपर बुलेश्वर पड़ा हुआ है। मैं दिनेश कोठारी एसोसिएशन का कमिटी मेंबर हूँ। ये जो बुलेश्वर की साफ सफाई और नवीनीकरण का बात किया है वो बहुत अच्छा पहलू है और बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम लोग का हमेशा साथ सहकार रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम संजीव डिडवानिया, इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन का कमिटी मेंबर। ये SS न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये पहल चालू किया। ये बुलेश्वर को और ये मुम्मा देवी के साथ साथ इस एरिया में सारे प्राचीन मंदिर है जो काफी लोगों को मालूम है और काफी लोगों को नहीं मालूम है। ये सब काम हो जाने से हमारे ये सब प्राचीन मंदिरों के बारे में काफी लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी और लोग इधर काफी आएंगे, उसके लिए बहुत अच्छा ये आपकी तरफ से पहले, उसके लिए धन्यवाद। द इमिटेशन ज्वेलरी डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हमारे साथ में इस समय, और दिव्य मुम्बा देवी भव्य बुलेश्वर का जो एक आगाज हुआ है SS न्यूज मीडिया हाउस की तरफ से, मुंबई के लाइव की तरफ से, क्या आप तैयार हैं? दिव्य मुम्बा देवी भव्य बुलेश्वर के लिए द इमिटेशन ज्वेलरी डीलर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन तैयार है?